मैं डॉक्टर राजेश कुरड़िया, मेरा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर का गायनेकोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ। और काफ़ी टाइम पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर किस तरह की ट्रीटमेंट आप करेंगे और किस तरह से हमको फ़ायदा होएगा। तो नॉर्मली हमारी कोशिश पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में, चेकअप करने के बाद में ये रहती है कि वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या कारण से शायद इनको प्रेगनेंसी रुकने में बाधा आती है। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल ट्रीटमेंट चालू करने से पहले करेक्शन करना ज़रूरी रहता है, जैसे कि कुछ हॉर्मोन्स के डिस्टर्बेंस है, कोई बड़ा फाइब्रोड है, एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो वो जो भी प्रॉब्लम है वो पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर उसके बाद के ट्रीटमेंट मेजरली ज़्यादातर तीन में से एक ट्रीटमेंट उनकी होती है, जैसे कि कंट्रोल ओवरियन स्टिम्युलेशन विद टाइम इंटरकोर्स, मतलब जिनके हस्बैंड का सीमेन रिपोर्ट टोटली नॉर्मल है तो उनको ओवरी को स्टिम्युलेट करके कोई पर्टिकुलर डे जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होने का चांसेस है, अंडा निकलने का चांसेस है, उस टाइम पे रिलेशन करने की एडवाइस दी जाती है। क्योंकि हर महीने कोई एक ही दिन ऐसा रहता है जिस दिन अंडा निकलता है और उस दिन संबंध करने से ही प्रेगनेंसी रुकती है, तो वो दिन फाइंड आउट करना अदरवाइज मुश्किल होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए रेगुलरली फॉलिकल स्टडी करते हैं और मालूम चलता है। अभी ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट जो इससे थोड़ा सा हायर सक्सेस रेट वाला जो ट्रीटमेंट है वो कंट्रोल ओवेरियन स्टिम्युलेशन विद IUI, जिसमें इंट्रा यूटराइन इनसेमिनेशन कहते हैं। देखो हस्बैंड के जो सीमेन रहता है वो सीमेन में प्योर स्पर्म, मतलब जो हाईली मोटाइल स्पर्म रहते हैं, डेड स्पर्म रहते हैं, एबनॉर्मल स्पर्म रहते हैं, कुछ डेब्रिस रहते हैं, कुछ कुछ जिसको बोलते हैं इम्प्योरिटीज रहती है। तो जो सीमेन हम ये करते हैं कि स्टिम्युलेशन करने के बाद में वो सीमेन को वॉश करते हैं और उसमें से जो हाईली मोटाइल स्पर्म है उसको सेपरेट करते हैं और वो डायरेक्टली यूट्रस के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर बॉर्डरलाइन सीमेन काउंट है, कॉम्प्रोमाइज सीमेन काउंट है, या तो लेडीज के यूट्रस के सर्विक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बाईपास हो जाता है और उसमें सक्सेस मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे कि उसकी ट्रीटमेंट हो गई है तो उसके बाद में ये ट्रीटमेंट करते हो तो ज़्यादा फायदा करता है। तो ये सेकंड ट्रीटमेंट हुई। और उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट रहती है IVF की ट्रीटमेंट, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, और ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। कोई कोई आजकल की तारीख में जिनको यंग कपल्स जो अपनी लाइफ टाइम टेबल के हिसाब से ही चलना चाहते हैं, हर एक के लिए उनका अपना फिक्स टारगेट रहता है कि ये महीने में या ये साल में मुझे कंसीव होना है, तो इनके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी है। या तो आगे की जो दो ट्रीटमेंट मैंने बताई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तब IVF के लिए जाना जरूरी रहता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी की ट्रीटमेंट है जिसमें ओवरी को स्टिम्युलेट करते हैं, ज़्यादा एग्स बनते हैं, वो एग्स को निकाल देते हैं लेडीज को अनकॉन्शियस करके, उसके बाद हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं और एक एक स्पर्म को पकड़ के एग को फर्टिलाइज करते हैं, फिर एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर छोड़ते हैं। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ट्रीटमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सक्सेस रेट रहते हैं। तो समराइज मैं करूँगा तो ज़्यादातर पहले जो भी करेक्टेबल प्रॉब्लम है वो करेक्ट करके यंग पेशेंट को थोड़ा बहुत टाइम देते हैं 3 से 6 महीने का कि प्रेगनेंसी अपने आप रुक जाए, और वो अगर नहीं होती है पॉसिबल, या तो कोई एल्डरली पेशेंट है जैसे कि 32, 33, 34 साल की लेडी है तो उनको तुरंत ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं, या तो जिनको इरेगुलर पीरियड है उनको तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं जो प्रेगनेंसी चाहते हैं। तो ज़्यादातर ये तीन तरह की ट्रीटमेंट जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वैसे देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए कुछ काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो ये सब्जेक्ट पे मैं हमेशा ही नई नई इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली जो इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ये चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को दबा के लाइक कर सकते हैं, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।